हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिफिन सीरीज एपिसोड 1। और आज हम बनाएंगे कॉइन आलू पराठा फॉर आवर बच्चा पार्टी। आलू इज लव्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द किड्स एंड दे आर गोइंग टू लव दिस क्यूट मिनी पराठास एंड दीज आर वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर वर्किंग मॉम्स आल्सो। तो चलो लेट्स बिगिन। We will first grate the potatoes. मैंने दो मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। Now add some salt, 1/4 teaspoon amchur powder, 1/4 teaspoon garam masala, 1/4 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon roasted cumin powder, and some fresh chopped coriander. Mix everything well and our stuffing is ready. अगर आपके बच्चे थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप अदरक मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं। Now take the basic paratha dough. मैंने ये एकदम बेसिक गेहूं के पराठे का ही आटा लिया है। Roll it into a round, slightly thick paratha like this. और इसे इस तरह ज्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं ऐसे बेल लिया है। Now brush little bit of oil and dust some dry flour and then take generous amount of our potato stuffing and spread it evenly all over the paratha. And now gently roll it. Roll करके इसे अच्छे से थोड़ा साइड से प्रेस कर दे ताकि ये ओपन ना हो जाए। Cut it into equal size discs. Apply a little bit of oil on your fingers and gently press all the discs to get cute little coin parathas. अच्छे से इसे प्रेस करें ताकि हमारे पराठे ज्यादा थिक ना हो और एकदम अच्छे से वो कुक हो जाए। ज्यादा थिक होंगे तो साइड से दे माइट नॉट गेट कुक प्रॉपरली। Now take around 2 tablespoon oil in a non-stick pan and once the oil is hot, place the coin parathas. Oil की जगह पर आप ये पराठे बटर में भी कुक कर सकते हैं, as you wish. Sprinkle some white and black sesame seeds on top and press it gently to give a more appetizing look and taste of course. अगर आपके बच्चे को सेसमी सीड्स यानी कि तिल नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। Now cook the parathas on low flame from both the sides until golden brown. My coin parathas have turned golden brown from both the sides and are cooked nicely. Switch off the flame and grate some cheese while the parathas are still hot. क्योंकि पराठे एकदम ही गर्म है, piping hot है, इसलिए हमारी cheese अपने आप ही melt हो जाएगी। अगर आप चाहे तो ढककर भी cheese को melt करने के लिए रख सकते हैं। And top with some chopped coriander and ta-da! Our super quick, super delicious coin aloo parathas are ready to dig in. मेरे बेटे को तो ये रेसिपी, ये कॉइन पराठास बहुत ज़्यादा पसंद है टिफ़िन में, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं।
प्लीज लेट मी नो। ये पराठे सिर्फ बच्चे नहीं, हम बड़ों को भी उतने ही पसंद आते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये पराठे। एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी फॉर वर्किंग मॉम्स आल्सो। बस बेसिक आटा लगाना है, जो घर पे मोस्टली रहता ही है, गेहूं का आटा, और पोटैटोस को बॉईल करके रेडी रखना है। बाकी का प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, क्विक, बेसिक मसाले यूज़ किए हैं और आसानी से रेडी हो जाता है। माइंड ब्लोइंग, सुपर किड्स, क्या आपको भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, कॉइन आलू पराठा। सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी सून, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एंड दे लव दिस शेप ऑल्सो, टाइनी टाइनी क्यूट से लिटिल पराठास, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डीजी कुक्स। Thank you, friends. Have a great day. Enjoy.